आइए अब आपको बंगाल चुनाव की एक बेहद ही दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। आज हुगली जिले के बलागढ़ में ममता बनर्जी रैली में फुटबॉल लेकर पहुंच गईं और कहा कि खेला होवे, ये देखिए, खेला होवे, जेता होवे, ओटा तुम्हारी एवं मां बोनेरा बेदे जोर तृणमूलेर सब भोट, छात्र युव बेदे जोर तृणमूलेर सब भोट, ईट भाटा बेदे जोर तृणमूलेर सब भोट, संख्यालघु তপশিলি বেদে জোর তৃণমূলের সব ভোট, আদিবাসীরা বেদে জোর তৃণমূলের সব ভোট, হিন্দু মুসলিম বেদে জোর তৃণমূলের সব ভোট, বিজেপির বিরুদ্ধে সব ভোট, জোড়াফুলের সব ভোট, বিজেপি চাই না, চাই না, চাই না, বিজেপিকে চাই না, চাই না, চাই না, বিজেপিকে চাই না, চাই না, চাই না, বিজেপিকে চাই না, দাঙ্গাবাজদের চাই না, ধান্দাবাজদের চাই না, দুরাচারীদের চাই না, দুর্যোধনদের চাই না, দুঃশাসনদের চাই না, আমরা চাই শান্তিতে থাকতে। तो इस तरीके से फुटबॉल भी उन्होंने फेंका, खेला होवे भी कहा और बीजेपी नहीं चाहिए ये नारा भी बुलंद कर दिया। उधर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कल उनके काफिले पर हुए हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार बताया है। कल दिलीप घोष के काफिले पर कूच बिहार में हमला हुआ था। दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस उन्हें डराना चाहती है, लेकिन इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। हमला हुआ, आपने तस्वीरें भी साझा की, पूरा घटनाक्रम बताइए, किसने हमला किया, क्या आरोप है आपका? नहीं देखिए, यहाँ ये कुछ बिहार जिला जो नॉर्थ बंगाल में सबसे ज़्यादा उपद्रुत है, चार विधानसभा सिताई, शीतलकुची, दिनहाटा और नाटाबाड़ी, उसमें टीएमसी के बहुत दबंग नेता हैं, वो चाहते हैं उनके इच्छा से सब कुछ हो, लोगों को राजनीतिक दास बना के रखा है। लोकसभा के समय लोगों को मौका मिला था, लोगों ने परिवर्तन करके दिखा दिया, बीजेपी को जिता के दिखा दिया। ये ऐसा जगह है, एक तरफ नदी है, एक तरफ आसाम है, एक तरफ बांग्लादेश है, जाने आने के लिए एक ही रास्ता है, इसलिए वहाँ एक मुक्तांचल बनाकर इन्होंने रखा है, लोगों को डरा के रखा है। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, मौका नहीं मिल रहा है, पिछले बार मौका मिला, इस बार भी सेंट्रल फोर्स और चुनाव कमीशन पूरा तैयार है और हम लोग भी तैयार, इसलिए मैं जानबूझकर वहाँ गया था और आज भी चार सभा मैं करने वाला हूँ, रोड शो करने वाला हूँ कुछ बिहार में, लोगों को यही बताने के लिए कि आप चिंता मत करिए, भाजपा आपके साथ। वैसे एक खास बात और आप देख रहे होंगे कि एक तरफ कोरोना का की प्रचंड लहर देश भर में, लेकिन ये नेता कोई भी मास्क में नजर नहीं आ रहे हैं। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो, ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।